बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपके क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए थे। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए जरा। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स। जितने भी आइटम शॉप से बिक जाएंगे उन सब पर कितना डिस्काउंट मिलेगा? 10%। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। उसने दो जीन्स अगर खरीदी और मार्क एट 1450 रुपीज़ एंड टू शर्ट्स मार्क एट रुपीज़ 850 ईच। ए पेयर ऑफ जीन्स और एक हो गया मार्क प्राइस आपका शर्ट का 850 रुपीज़ ईच। तो बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है? एक तो उसने कस्टमर ने जीन्स का पेयर लिया जिनका कॉस्ट कितना है? 1450 रुपये। कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ जीन्स ये दिया है बच्चों रुपीज 1450 और एक शर्ट का कॉस्ट है कितना? 850 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ टू शर्ट्स, हमने दो शर्ट लिए, एक का कॉस्ट 850 है तो 2 × 850 इट मीन्स 1700 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द आइटम्स विच बाइज, देखो जो आइटम आपने खरीदे उनका टोटल कॉस्ट कितना हो जाता है? 1450 प्लस 1700 इट मीन्स 0 5 7 प्लस 4 11 कैरी किया 1 1 1 2 1 3 रुपीज 3150। जो टोटल कॉस्ट है दोनों आइटम्स की मिलाकर वो हो गई कितनी? 3150 रुपीज़। अब डिस्काउंट की बात करो। डिस्काउंट जितने भी आइटम बिके उन पर कितना डिस्काउंट है? 10%। तो डिस्काउंट हो गया 10% ऑफ 3150 इट मीन्स 10/100 × 3150 एक जीरो ये कैंसिल तो 315 रुपीज़ का डिस्काउंट। तो कस्टमर को कितना पैसा देना पड़ेगा? कस्टमर हैव टू पे, डिस्काउंट को माइनस कर दोगे ना तो 3150 − 315। अब आप देख लो कितना आता है। 10 − 5 = 5 4 − 1 = 3 यहाँ बच जाता है 11 − 3 = 8 और ये 2 तो रुपीज़ 2835 इतने पैसे कस्टमर को पे करने पड़ेंगे शॉपकीपर को। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इम्पोर्टेंट बहुत है ये, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ए मिल्क मैन सोल्ड टू ऑफ हिज बुफेलो फॉर रुपीज 20,000 ईच। तो ये बुफेलो का सेलिंग प्राइस है। On one he made a gain of 5% and other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पहले हम दोनों बैल का निकाल लेंगे। ठीक है, दोनों बुफेलो का टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों का अलग अलग हम निकाल लेंगे तो फिर हम बताएंगे कि ओवरऑल उसे गेन हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, चूँकि हमारे पास सेलिंग प्राइस तो है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बुफेलो, इक्वल टू रुपीज 20,000। हर एक का 20,000 है। ठीक है, लेस कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुफेलो इज, मान लो एक बुफेलो का कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ रुपीज एक्स,
सेलिंग प्राइस मेरे पास है 20,000। उसने कहा कि एक बुफेलो पे उसे कितने का प्रॉफिट होता है, ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। 5% का प्रॉफिट है, तो अगर कॉस्ट प्राइस एक्स है प्लस इसमें 5% ऑफ एक्स और करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, इट मीन्स इक्वल टू 20,000। ये क्वेश्चन में समझने की चीज़ है। तो ये एक्स प्लस 5% का मतलब 5/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20,000, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 20x + 1x, 21x/20 इक्वल टू 20,000। सो एक्स इक्वल टू 20,000 इंटू 20/21। ये कॉस्ट प्राइस हो जाता है बच्चे किसका, एक बुफेलो का। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बन गया आपके पास में 2 × 2 = 4, 4 लाख हो गया ना, 4 लाख / 21। चलिए बाद में जिसे ज़रूरत होगी बताएंगे कैलकुलेशन में, अभी आप इसे यहीं छोड़िए। अब अगला बुफेलो देखिए, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अनदर बुफेलो, ये तो एक्स हो गया, अनदर बुफेलो इज मान लो रुपीज, कुछ और मान लो वाई। तो अब देखिए उस पर 10% का उसे लॉस हुआ, तो वाई -10% ऑफ वाई, इतना लॉस हुआ ना, इक्वल टू कितना, 20,000। तो वाई माइनस 10/100 इंटू वाई इक्वल टू 20,000। हाँ बच्चों देखिए, ये हो गया वाई माइनस, एक जीरो काट दूंगा तो 1/10y इक्वल टू 20,000। 10y - y हो गया 9y/10 इक्वल टू 20,000। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके y की वैल्यू निकाल लीजिए तो 2 lakh / 9। अब दोनों जो बुफेलो हैं उनका कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया, ठीक है। तो आप देखिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ बुफेलो, दोनों का कॉस्ट प्राइस हो गया कितना, एक्स प्लस वाई, और एक्स हमारे पास आया कितना, 4 lakh / 21 प्लस वाई कितना है, 2 lakh, एक जीरो और, हाँ 2 lakh / 9। इसे सोल्व करो, इसका ये कितना आ जाएगा बच्चों, एलसीएम। अच्छा इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, 2 lakh ले लूँ, 2 lakh कॉमन आ गया, देखिए आसान हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2/21 + 1/9। सोल्व करते हैं, 2 lakh इसका एलसीएम हो जाता बच्चों 63, तो 21 × 3 = 63, 3 × 2 = 6, और 9 × 7 = 63, 6 + 7, इट मीन्स ये हो जाता है 2 lakh × 13/63। इसे सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है। चलिए मैं करता हूँ, ठीक है बच्चों। अब तो इसकी कैलकुलेशन मैंने करके देखी अभी, तो 41269.84, 26 lakh / 63, ठीक है। अभी आप देखिए कॉस्ट प्राइस हो गया, और सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ बुफेलो दोनों का अगर आप देखते, क्या सेलिंग प्राइस तो कितना होता, 20,000 ईच, 20,000 + 20,000 दोनों का, तो कितना हो गया, 40,000।
तो आप देख सकते हैं दोनों को कि आपका जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो इसका मतलब उसे लॉस हुआ। सो फाइनली मिल्कमैन हैव ए लॉस। कितना लॉस? 41269.84 माइनस 40,000। ठीक है, और ये तो आप देख ही सकते हैं इसमें से 0.84 एज इट इज आ जाएगा और ये बच जाएगा कितना 1269.84 रुपीज़। इतना लॉस उसे हो जाता है 1269.84। तो इतना बच्चों से लॉस हो जाता है, ये लॉस हो जाता है कितना 1269.84। ठीक है, चलिए आज ये दो क्वेश्चन करेंगे, अभी इसमें तीन क्वेश्चन और बच गए हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।